गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं श्वेता श्रीवास्तव आपकी आर्ट टीचर। बच्चों, आज मैं आप लोग को कलरिंग करना सिखाऊंगी। इसके पहले के वीडियो में आपने सीखा कि कवर पेज किसे कहते हैं, कवर पेज कैसे बनाना चाहिए और अपना नाम किस प्रकार लिखना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने कवर पेज बना लिया होगा और अपने नाम को सुंदर तरीके से लिख भी लिया होगा। आइए बच्चों, आज मैं आपको कलर करना बताती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये कलर प्लेट है। कलर प्लेट में मैंने कलर निकाला हुआ है, व्हाइट कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर और येलो कलर। तो सबसे पहले बच्चों आपको करना है फूलों को कलर। इसमें जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कमल का फूल बना है। कमल का फूल आप रेड भी बना सकते हैं, पिंक भी बना सकते हैं। वैसे कमल तो आप कई रंग के, हर रंग के बना सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको पिंक कलर से कमल का फूल कलर करना सिखाऊंगी। और साथ में बच्चों एक सादा कागज अपने साथ रखिए कलर चेक करने के लिए, कि जब ब्रश में आपका जो रंग बनकर तैयार हुआ है वो लगा के देख लीजिए, तब उसको कॉपी पे आप बनाइए। तो पिंक कलर आज मैं बताऊंगी आपको कि कैसे बनता है। व्हाइट कलर लिया बच्चों और रेड कलर। व्हाइट में थोड़ा सा रेड हम मिक्स करेंगे, तो व्हाइट और रेड मिलकर पिंक बनता है। अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको डार्क पिंक बनाना है तो रेड थोड़ा सा ज्यादा मिला सकते हैं। अगर लाइट पिंक बनाना है तो व्हाइट कलर की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखेंगे। देखिए बच्चों, ये पिंक कलर बनके तैयार हो गया और इसको हम एक बार रफ कागज पे बना के देख लेंगे। हाँ, ये कलर अब ये सही आ रहा है। अगर आपको लगे कि जैसा रंग आप चाह रहे हैं वैसा आ रहा है, तो आप फाइनल पेपर पे कलर लगाना स्टार्ट करेंगे। जब आप कलर लगाएं तो ब्रश को हमेशा एक ही दिशा में चलाएं, या तो नीचे से ऊपर चलाएं या ऊपर से नीचे चलाएं। कभी भी उसको पेंसिल की तरह ऐसे रंग भरने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बच्चों, एक फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब इसको सूखने दीजिए, तब तक हम दूसरे फ्लावर्स को कलर कर लेंगे। देखिए बच्चों, ये हमने फूल को कलर कर लिया है और कली को भी कलर कर लिया है। हमेशा ये बात का ध्यान रखिएगा कि जिस रंग का फूल होगा उसी रंग की कली होगी। अब इसके बाद हम आपको पत्तियों का कलर करना बताएंगे, तब तक ये फूल को सूखने दीजिए। और जब एक रंग सूख जाए तब उसके ऊपर हम लोग दूसरा कलर लगाते हैं, नहीं तो रंग फैलने का डर रहता है। और कोशिश ये कीजिए वॉटर कलर में कि पानी कम से कम मिलाइए। ज्यादा पानी मिलाएंगे तो ब्रश
और कलर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। ज्यादा पानी मिलने से क्या होता है कि रंग बहना शुरू हो जाता है और इधर उधर लाइन से बाहर निकल जाता है। अब हम पत्तियों को कलर करना बताएंगे। ग्रीन कलर, आपके कलर बॉक्स में ग्रीन कलर दो दिया हुआ है, एक क्रिम्सन ग्रीन होगा और एक वेरेडियन, तो आप दोनों में कोई भी ग्रीन यूज कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ये हमने ग्रीन कलर ले लिया है, अब ये पत्तियों में भी लगेगा और उसकी पूरी टहनियों में भी ग्रीन कलर यूज होगा। तो ग्रीन कलर पहले हम लगा के रफ पे देख लेंगे, जब ये हमको सही लगेगा तब हम इसको कॉपी पे करेंगे। और बच्चों कोशिश ये कीजिए कि कलर ऊपर से करते हुए नीचे उतरिए। अगर नीचे आपने पहले कलर कर दिया तो जब हाथ रखेंगे तो कभी कभी चांसेस होती है कि वो रंग आपके हाथों में लगकर फैल जाए, इसलिए हमेशा ऊपर से हम लोग नीचे उतरेंगे जिससे कि रंग हमारे हाथों में ना लगे और पन्ने खराब ना हो। बच्चों ये देखिए, इस तरह आपको पूरी डिजाइन की कलरिंग करनी है। ये पत्ती आपने पूरा कर लिया, फूल हो गया, कली हो गई और टहनियां हो गई। अब इसके बाद ये बीच में जो डिजाइन है इसको हम येलो कलर से करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि पानी का कम इस्तेमाल करना है, सिर्फ जितनी जरूरत हो उतना ही। ये देखिए बच्चों, इस तरह पहले आप प्लेन कलर्स लगाकर इतना कवर पेज तैयार कीजिए। अगली क्लास में मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।